श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धतूरे का बहुत अच्छा क्रम है महाराज, वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। लिंग पुराण कहती है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया, और वो रोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आगे हम गुरुजी से धतूरे का एक बहुत ही विशेष उपाय सुनेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको उपाय पूरा समझ में आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वीडियो को करें लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। अगर आप गुरु जी को मानते हैं तो गुरु जी के जल्द स्वस्थ होने के लिए कमेंट में महादेव का एक जयकारा जरूर लगाएं। मैं भी महादेव से प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव जल्द स्वस्थ हों और जल्द हमारे बीच कथा करने के लिए आएं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां लग रही, गोलियां गोलियां खा रहे हैं। तो महाराज उसका भी वर्णन है, 7 धतूरे। कितने धतूरे लेना है? 7 धतूरे। कोई सी भी शिवरात्रि से मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर, एक धतूरे में मूली लच्छा नाड़ा लपेट कर चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मौली को लपेट कर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये भगवान का जल निकलने का स्त्रोत, चरणारविंद का भाव, शिवलिंग जहां रखा हुआ है, ये पार्वती जी का हस्त कमल, जो ये गोल भाग है ये पार्वती का हस्त कमल, जहां शिवलिंग रखा है, जहां से जल नीचे गिरता है उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है, जो मोटी सी लाइन है ये शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो 3 टेकी लगी है ये भृगु ऋषि का, भृंगी गण का स्थान है। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है, वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया विषहरा सामरीबारी धोतली और देव, ये 5 लड़कियों का स्थान है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से, जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की ओर जब जल जाता है, उस स्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लांगते नहीं है, क्योंकि वहां 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं महाराज। तो जो बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है, 7 धतूरे, 1 धतूरे पर मौली लपेट कर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, 6 धतूरे उसमें से 1 धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, 2 धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, 3 धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। महाराज शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्त कमल के ऊपर 1 धतूरा, 5, 1 धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो बिल्कुल वहीं पर 1 धतूरा चढ़ा देना। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापिस लेकर आना है। 7वां धतूरा कहाँ चढ़ाना है इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है महाराज।
धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता, 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हो, किसी भी शिवरात्रि। आज का यह उपाय अगर आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार व्यक्ति है तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। यह उपाय शिवरात्रि के दिन करना होता है, शिवरात्रि हर महीने आती है, आप किसी भी शिवरात्रि के दिन यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए हमें 7 धतूरे लेने हैं, 1 धतूरे के ऊपर मौली लपेटनी है और बाकी के 6 धतूरे हमें ऐसे ही भगवान शिव को समर्पित करने हैं। सबसे पहले मौली लपेटा हुआ धतूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, उसके बाद दूसरा भगवान गणेश जी के स्थान पर, तीसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर, चौथा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, पांचवा माता पार्वती के हस्त कमल के ऊपर। अब छठा धतूरा गुरु जी बताना भूल गए थे कि कहां हमें समर्पित करना है, तो गुरु जी की कथा से सुनकर बता रहा हूं कि छठा धतूरा हमें जलाधारी के ऊपर समर्पित करना है। जो शिवलिंग के ऊपर जलाधारी लगी होती है उस जलाधारी के ऊपर समर्पित करना है, जलाधारी के पानी के अंदर नहीं डालना, जलाधारी के ऊपर ही रखना है। जो भी बर्तन जलाधारी का लगा होता है उस बर्तन के ऊपर हमें छठा धतूरा रखना है। सातवां धतूरा बिल्कुल अंत में, जहाँ से पानी नीचे गिरता है, बिल्कुल एंड वाली जगह पर हमें सातवां धतूरा भगवान शिव को समर्पित करना है। साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप हमें करते रहना है। जब 7 धतूरे आप चढ़ा दें उसके बाद उनमें से 1 धतूरा आपको वापिस लेकर जाना है। अब यह धतूरा कौन सा वापिस लेकर जाना है, जो आपने बिल्कुल अंत में 7वां धतूरा चढ़ाया था उसी धतूरे को उठाकर आपको घर वापिस लेकर जाना है। और जो भी आपके घर में बीमार व्यक्ति है उस व्यक्ति से उसको धतूरे को टच करवाकर, हाथ लगवाकर उस धतूरे को किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे फेंक देना है, पटक देना है। पटकते समय हमें अवधूतेश्वर महादेव या चंपेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना है। ऐसा करने से जो भी बीमार व्यक्ति है उसको दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और वह जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। मित्रों, आप सबको पता है कि मैं हमेशा गुरुजी द्वारा बताए हुए उपाय आपके लिए लेकर आता हूँ। अगर आपको गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से लाभ हुआ है तो मुझे कमेंट में अपने पूरे नाम के साथ पूरा बताएं कि आपको किस उपाय से क्या लाभ हुआ है। अगले वीडियो में आपका वह कमेंट मैं जरूर शेयर करूँगा, जिससे दूसरों लोगों को पता चले कि किस उपाय से क्या लाभ होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।